हितेश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? Well, पहले तो हितेश जी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट करते हैं और ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं. वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी हितेश भाई एंड मी. जब पहली बार उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस स्क्रिप्ट को लेके, आई वाज इन एक्चुअली कश्मीर जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी. तो आई बिलीव इन सिंक्रोनिसिटी और द फैक्ट दैट मैं कश्मीर में था. ये फिल्म एक छोटा सा हिस्सा इसका कश्मीर में बेस्ड है. वॉज अ साइन फॉर मी टू बिगिन विद कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट आई एम गोइंग टू वांट टू डू. और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी आई हैव थॉट दैट दिस वाज अ वेरी डिफरेंट एंड अ डिफरेंट टेक ऑन टेररिज्म. जो हमने बहुत कुछ देखा है हमारे फिल्मों में, यू नो, टेररिज्म के बारे में, द प्रॉब्लम्स इन कश्मीर वगैरह, बट दिस इज़ अबाउट द बिजनेस ऑफ टेररिज्म. सो अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट जो मुझे बहुत पसंद आई. And mera jo kirdar hai Qasim was someone who I really really I think sunk my teeth into. Ek bahut hi mazedar kirdar hai aur mujhe bahut maza aaya isko nibhane mein. And I thank you Hitesh bhai for making me a part of this film. And of course working with my co-stars. Vipul ji, special 26 mein to aapka bahut kamal ka kirdar tha. Isme bhi NIA officer hain. तो इस किरदार के बारे में और हितेश जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, किरदार तभी बनते हैं जब अच्छा सब्जेक्ट होता है. तो सबसे पहले मुबारकबाद हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को. बहुत मैं इनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, सबसे पहले कि बहुत पैशन से जब इन्होंने नरेशन दिया, जब इन्होंने आए मिलने आए और बताया कि ये फिल्म बनाना चाहता हूँ और मेरी पहली फिल्म है, लेकिन जो पैशन था वो बहुत ही दिख रहा था. और जो सबसे अच्छी बात है, जैसे अश्मित ने भी बोला, ये हमने बहुत फिल्में देखी हैं इस जॉनरा की, लेकिन बिजनेस ऑफ वॉर एक नया टॉपिक है. एक इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं आज तक हाईलाइट हुआ, तो आई थिंक एक बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट है फिल्म की और हम सब ने बहुत मेहनत की है. बहुत बहुत मज़ा आया शूट करने में. हम लोग गुजरात में हमने बहुत ज़्यादा शूट किया, बॉम्बे में शूट किया और बहुत मज़ा आया. एंड जहाँ पर आप बहुत मेहनत से और बहुत पैशनेट टीम के साथ काम करते हैं तो मज़ा आता है, और जहाँ मज़ा आता है वहाँ अच्छा प्रोडक्ट बनता है. तो होपफुली आप सबको भी बहुत पसंद आएगा जैसे हमें करने में बहुत पसंद आया. एंड उस फैबुलस वर्किंग विद अश्मित आल्सो प्लेजर. सो या जितेंद्र जी, आप अपने किरदार के बारे में बताएं. ये ऐसे पैशन वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहिए इंडस्ट्री को. ही इज़ इन टू इट, मतलब वही खाते हैं वही सोते हैं, मतलब इज लाइक दैट. और ये फिल्म ऑफकोर्स नॉट रेगुलर वॉर फिल्म, ये बहुत डिफरेंट एंगल से है, इंटरेस्टिंग है. सर मुझे मिले फिल्म सिटी में, मैं शूट कर रहा था DIG के रोल में, गुम है किसी के प्यार में. तो मिले तो कहते हैं आप मेरे साथ, तो मतलब बुलाता हूँ आपको. तो मैंने दो एक जब प्रेजेंस है, दो अच्छे सीन किए हैं. ISI चीफ है अमेरिका में उसमें, और बड़ा प्लेजेंट रहा. पता नहीं चला कब हो गया काम, मतलब बिल्कुल मस्ती में हो गया. अश्मित जी भी उस दिन सेट पे मिले हमें, तो एक वेरी मतलब जेल यूनिट है इनकी. बहुत प्यार से सब मिले और मेरा किरदार तो मतलब ठीक है प्रेजेंस है मेरी, बट ये फिल्म डिफरेंट है. आई होप, आई विश ऑल द बेस्ट टू हितेश जी कि फिल्म जो है स्क्रीन को पकड़ लें और चले. थैंक यू वेरी मच. हितेश जी, टाइटल के बारे में, सेक्टर बालाकोट टाइटल और इसकी कहानी बालाकोट अटैक से कुछ इंस्पायर्ड है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और आपकी पहली फिल्म है ये फिल्म और ये स्क्रिप्ट. दिस इज द ओनली फिल्म इन द वर्ल्ड विच टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर एंड बिजनेस ऑफ टेररिज्म. सिर्फ एक हॉली, जब हम रिसर्च कर रहे थे, स्क्रिप्ट हमारे पास थी, फिर हम रिसर्च कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, चार पांच ड्राफ्ट पे रिवाइज किया, चार अलग अलग राइटर अलग अलग स्टेज पे इन्वॉल्व थे, तब हमें एक ही फिल्म हॉलीवुड में मिली जिसका नाम है वॉरलॉर्ड. वो पहले 5-10 मिनट इस सब्जेक्ट पे बात करती है, फोकस करती है, और फिर पूरी कॉमेडी फिल्म बन जाती है, एक्शन फिल्म बन जाती है. दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी वॉर फिल्म्स होती है या मिलिट्री फिल्म्स होती है, वो जनरली एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स होती है. दिस इज़ द ओनली फिल्म आई वुड से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द बेस, द रूट कॉज ऑफ वायलेंस, विच इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर एंड बिजनेस ऑफ टेररिज्म. तो ये फिल्म बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लाएगी इन अ शॉकिंग वे. जैसे फिल्म में एक डायलॉग है, आज तक 100 करोड़ 100 करोड़ लोग वॉर में मारे जा चुके हैं,
कोरोना या स्पेनिश फ्लू में नहीं मरे हैं. नाउ 100 करोड़ लोग वॉर में मारे जा चुके हैं, दैट्स बिग नंबर टू यू नो सी. तो ये अभी ट्रेलर भी चलाएंगे, आपको ट्रेलर बड़ा पसंद आने वाला है. दो गाने हैं हमारे पास, वंदे मातरम अल्लाह हू, दोनों नंबर वन गाने होने वाले हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा. विपुल इज़ अ वेरी डिसिप्लिन गाय. हम बोलते थे 8:30, विपुल विल बी देयर एट 8:30. यू नो अस्मित से आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो वी एक्सचेंज लॉट ऑफ यू नो आइडियाज़. बहुत बात करते रहते हैं हम नई फिल्मों के बारे में, जो अब नए प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं जून दिसंबर वगैरह में फिल्म्स. तो दिस वॉज अ नाइस जर्नी. टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट की बात करें तो एक टेररिस्ट है, वो बालाकोट के इवेंट के बाद पकड़ा जाता है और उसकी ये साइकोलॉजिकल ड्रामा है, इंट्रोगेशन ड्रामा है. तो दिस इज़ अबाउट द स्क्रिप्ट. जिनल जी, आपने इस फिल्म में NIA ऑफिसर का किरदार किया है, तो अपने किरदार के बारे में फेमिना मिस इंडिया रहने के बाद इस फिल्म में ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत इट्स वेरी डिफिकल्ट रोल कंपेरेटिव टू माई पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं आई एम नॉट वेरी सीरियस काइंड. तो जब हम शूट भी करते थे तो इट वॉज डिफिकल्ट, बट येस दैट्स हाउ यू लर्न. तो इसमें ढालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे को स्टार थे, जो मेरे लिए बड़े हेल्पफुल थे, एंड दे मेड श्योर कि मैं ज़्यादा हंसूँ नहीं. सो थैंक यू सो मच. एंड देयर इज ऑलवेज बीन अ वेरी नाइस पर्सन टू गाइड मी थ्रू आउट, कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो. वैसे तो कभी कुछ हुआ नहीं, बिकॉज सेट पे वी एक्चुअली इन्जॉयड शूटिंग द मूवी, सो नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम. और एक बात सिर्फ एक और ऐड करनी है, हमने ये शूट किया सून आफ्टर द सेकेंड वेव. So, yeah. you know, it was a very difficult time, like every day you come across someone who is positive. So, उस time पे, you know, approval लेना, permissions लेना, shoot करना, regular COVID checks करवाना वगैरह, it was like a lot of, you know, effort, you know. इसका असर फिल्म पे आया होगा? Positivity आ गई होगी फिल्म में? बिल्कुल. सब लोग, हर एक लोग serious थे. सब serious थे. Good, good. अश्वित, कुछ और set पे कुछ क्या ऐसा कोई हादसा बताना चाहे जो वाकया हुआ हो? देखिए, मेरे साथ हर रोज हादसे होते थे, क्योंकि विपुल भाई जो हैं मुझे थ्रू आउट द फिल्म टॉर्चर कर रहे हैं. मैं एक टेररिस्ट हूँ जिसे कैप्चर किया जाता है, और ये NIA के ऑफिसर हैं, सबसे होनहार ऑफिसर, और मुझसे सारा इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए मुझे टॉर्चर करते रहते हैं. तो मेरे साथ तो हर रोज़ हादसे होते थे, कभी यहाँ मार पड़ती थी, कभी पैर पे मोच आ जाती थी, ही जस्ट डिडन्ट स्पेयर 1 square inch ऑफ माई बॉडी. बट ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस, एक क्लोज सेट था. जैसे हितेश भाई बोल रहे थे कि द सर्कमस्टांसिस जिसमें वी शॉट बिकॉज ऑफ कोविड वो क्वाइट डिफिकल्ट, बट एक टाइट नेट यूनिट क्लोज सेट पे हमने शूट किया, एंड वी नॉक्ड ऑफ द फिल्म इन रिकॉर्ड टाइम. ऑफकोर्स देर वॉज अ सेकेंड शेड्यूल जस्ट फॉर द एक्सटीरियर स्टफ, बट दिस अमेजिंग सेट वॉज मेड इन बड़ोड़ा. And we executed it, I think, to perfection. I also would like to here mention Pushpendra Alveji, who wrote the dialogues and one draft of the script as well. And congratulations, sir, for giving us, and thank you for giving us such a fantastic script. Shukriya, shukriya. Last question, हमारे NIA के chief नहीं है, पुनीत सर जी, उनके साथ काम करके कैसा लगा? बड़ा मजा आया, मतलब बहुत जैसे उनकी पर्सनालिटी है वैसे लगते हैं, लेकिन इन पर्सन बहुत ही मज़ेदार आदमी है. तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा था उनके साथ, अगेन बिकॉज बहुत क्लोज नेट यूनिट था, और जैसे कोविड का भी टाइम था, सो हम लोग अपनी तरफ से जितना प्रिकॉशंस ले सकते थे वो ले भी रहे थे. सो एज ही सेड, इट वॉज अ क्लोज नेट यूनिट, तो पता ही नहीं चला हमने कब शूट कर लिया. सबने अपने डिसिप्लिन में तो किया, जैसे रितेश भाई बोल रहे हैं, बट पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गए, कब शुरू हुआ है. मतलब ये तब होता है जब आप बहुत एंजॉय करते हैं द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द होल आर्ट इज ऑल अबाउट. सो यस, पुनीत जी के साथ भी बहुत बढ़िया रहा, हितेश भाई के साथ बहुत बढ़िया रहा, पूरी टीम हमारी, पुष्पेंद्र जी और हमारे DOP सुनील पटेल जी, और ईच एंड एवरी वन, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम, जो अभी कुछ लोग बिजी भी होंगे शूट पे फ्रॉम स्पॉट बॉयज, बिकॉज उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की कोविड टाइम में. एक एक आदमी स्टूड और रिकॉर्ड टाइम में काम खत्म किया, एंड होपफुली आप सबको अच्छा लगेगा. अब हमारे बोलने से ज़्यादा आप लोगों को देखना चाहिए, एंड आप लोग बताइए आपको कैसे. मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा पुनीत सर जी के बारे में, थैंक गॉड कि वो सीनियर थे और उन्होंने सिर्फ इन्हें भेजा. वो तो इतने लंबे चौड़े तगड़े हैं, अगर वो मुझे टॉर्चर करते तो आई थिंक ये फिल्म फर्स्ट सीन में ही खत्म हो जाता, कि मैं सब रिवील कर देता फर्स्ट सीन में ही.
So before we launch the poster, official poster, we will see the trailer. By the time our guest will be here, then we will come again. Sure. वो तो रीटेक देने में हम लोग अच्छा कि आजकल स्टॉक भी नहीं होता है तो करते जाओ फिल्म मैं भी इधर ही हूँ आई जस्ट वांट टू थैंक सोहेल भाई अगर कोई मतलब भाईचारे के बारे में कोई एक मिसाल हो तो ये है यारों के यार हैं आजकल ब्रो भाई सब लोग यू नो दे यूज दैट टर्म सो लूजली लेकिन इनको निभाना आता है He's come all the way from town. की बहुत important meeting थी फिर भी आए हैं It's taken him 1.5 hours, 2 hours to reach here. थोड़ा सा late आए क्योंकि उनकी meeting लंबी चली But thank God क्योंकि मैं भी late था मैं भी उसी तरफ से आया हूँ town से And I can't thank you enough, Sohail bhai. You're truly an amazing human being and I'm proud to call you my older brother and I you know, I appreciate it from all of us do actually from the bottom of our heart for this auspicious us with your presence. Auspicious launch for to our promotion and PR program for the till the release. Thank you so much. No, darling. And you know, I'll tell the respected media and press. बहुत मुश्किल है इस वक्त फिल्म बनाना. मैंने खुद नहीं बनाई है. आप सोचो. और फिल्म बनाना, फिर उसके बाद चलो फिल्म बन गई आप उसको आज इतने प्लेटफॉर्म हैं. आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले आओ लेकिन फिल्म बनाना और फिर हिम्मत रखना कि इसको थिएटर में लाना ये मेरे लिए सब अश्मित ने मुझसे ये जिक्र किया सो ये मेरे लिए न्यूज़ था कि और ये सब होता है जब आप अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट को देखो और आपको खुद ऐसा लगे क्या प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है जितना मैंने देखा फ्रॉम परफॉर्मेंसेस टू राइटिंग ऑनेस्टी सिंसियरिटी सिर्फ वही मायने रखता है बाय द एंड ऑफ इट फिल्म चले ना चले वो ऑडियंस के हाथ में उनको या वक्त के हाथ में क्या वो क्या है वो जो कोड़ी जो एक फिल्म को चला देती है लेकिन अब जब आपका ये म्यूज़िक चल रहा था तो मैंने कान में अश्मित को एक बात कही मेरी दोस्त की फिल्म थी नौहीद की उसमें गाना था मौला मेरे मौला जो बहुत बड़ा हिट हो गया था और उसको थोड़ा टाइम लगा और आज टू पिक अप और मुझे वही आपका ये गाना देख के मुझे एक एहसास हुआ तो हम बेसिकली म्यूज़िक इमोशंस एक्शन और रिएक्शन ठीक है वो आप कहाँ से भी उड़ के किसी को मार लो वो सब गिमिक ही होता है बट इफ देयर इज नो इमोशन टू बैक द एक्शन वो होल्ड नहीं करता एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बॉस दैट ही इज एंटर्ड द इंडस्ट्री विद दिस फिल्म एंड आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू नीड पीपल लाइक हिम टू बैक टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री So all the very best to all you guys, and it's and you know nobody realizes that, but it's a lot of hard work to get a film together. There's so many departments that have to work in synergy, and this kind of work only happens because of that. So all the very best, all the very best. Thank you. Hitesh ji, Sohail sir, yahan pe. Sir, yahan pe. My reason to be here is Ashmit and मैं और अश्मित सालों से दोस्त है और मुझे मतलब दोस्त होना और किसी को दिल से चाहना और पसंद करना
वो अश्वित में एक खासियत है, ये हमेशा कहते हैं कि हमारी फैमिली दोस्तों के दोस्त है, यारों के यार है, लेकिन ये खुद है। और रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफी नहीं होती है। सो फिल्में आएंगी जाएंगी, हर फ्राइडे को रिलीज होगी और काफ़ी बदलाव भी आया है हमारी इंडस्ट्री में OTT के आने से, बड़े बड़े स्क्रीन आने से अपने घर में। लेकिन हैट्स ऑफ टू सर जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। मैं खुद थोड़ा इन 2-3 साल में हिल गया था कि क्या बनाऊं, क्या आजकल एक OTT का फॉर्मेट आ गया है, TV सीरियल का फॉर्मेट आ गया है, लैंग्वेजेस, इतने लैंग्वेजेस आज हमें एक हमारे बड़े टेलीविज़न पे देखने को मिलते हैं। तो घर से निकलना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। लोग जो बोलते हैं कि टिकट के प्राइसेस इतने हो गए, वो ठीक है। टुडे माशाल्लाह एक अगर आप एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाओगे तो टिकट के प्राइसेस इतने मायने नहीं रखते। जो मायना रखता है वो किसी को अपने घर से एक्चुअली घसीट के निकालना और जाके अपना वक्त देना। और जब हम बड़े हो रहे थे तो हम जाते थे GT गैलेक्सी, चंदन, और एक बड़े पर्दे पे हम अपने हीरो की फिल्म देखते थे। वो सबसे बड़े मायने रखते हैं। तो आज जो ये करने जा रहे 3 हफ्ते बाद ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ होगी, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड सो आई जस्ट स्पीक बिकॉज अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। या ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ये सबसे बड़ी बात है टू मेक अ फिल्म। फिल्म रिलीज होगी, चलेगी, वो एक फिल्म की किस्मत है। एक द वेरी फॉर्चुनेट पीपल हु सी सक्सेस वेरी अर्ली, सम पीपल टेक टाइम, लेकिन फिल्म पे जेन्युइन मेहनत करना और उसको अपने दिल से बनाना, जो नीयत जो है वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। और इस फिल्म की जो नीयत है वो बिल्कुल सब एक्टर्स को लेके, टेक्नीशियंस को लेके, जिन्होंने भी ये काम किया है, ऐसा लगता है कि इन्होंने सिर्फ 100% नहीं दिया है, इन्होंने अपना 200% दिया है, और वो सबसे बड़े मायने रखते हैं। सोहेल भाई ने ऑनेस्टी की बात की, तो आई विल से वन थिंग अबाउट हिम कि जो वो बोलते हैं वो ऑनेस्टी के सिवा और कुछ, मतलब ऑनेस्ट चीज़ के बिना कुछ नहीं बोलते हैं। आई हैव वर्क विथ हिम एज एन एक्टर फाइट क्लब में, आई हैव वर्क विथ हिम फॉर अ फिल्म दैट ही डायरेक्टेड, जय हो, एंड द लास्ट फिल्म एक्चुअली जो मेरी सिनेमा में रिलीज हुई थी जनवरी 2018 में अरबाज भाई के साथ था। तो मेरा जो रिश्ता है इस फैमिली के साथ, अलवीरा मुझे मेरी दीदी है, मुझे राखी बांधती है, तो आई नो कि जो सोहेल भाई मेरे बारे में या मेरी फिल्मों के बारे में कहेंगे, ही विल बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, ही विल नेवर होल्ड बैक। अगर उन्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो ज़रूर मुझे बोलेंगे। एंड टू हियर ऑल ऑफ दिस प्रेज फ्रॉम हिज माउथ मीन्स सो मच। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, सोहेल भाई थैंक यू सो मच, आपने सबको प्रूव कर दिया यू नो कि द खान फैमिली रियली डज बिलीव इन रिलेशंस, और हम आपको सिर्फ और सलमान भाई को सिर्फ भाई नहीं मानते हैं। रियली योला आई मीन अनबिलीवेबल व्हाट यू ऑल डू फॉर पीपल, एंड यू प्रूव इट ओवर एंड ओवर अगेन, जस्ट लाइक लोगों को घसीट के सिनेमा में लेकर जाना बहुत मुश्किल है आजकल। दोस्तों को घर से पार्टी के लिए बुलाना या मतलब टू मेक देम कम टू योर हाउस फॉर अ पार्टी इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड सोहेल भाई इज़ कम ऑल द वे टाउन से
इनको दो घंटे लगे हैं लेकिन वो आए एंड थैंक यू सो मच भाई। एक सवाल है, आपके फैंस को आपकी कोई फिल्म की अपकमिंग फिल्म जी काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार है, आने वाले समय में क्या आपकी कोई फिल्म आ सकती है दर्शकों के सामने? यू नो ऑनेस्टली ये जो कोविड का वक्त था इसने सबको सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या जो हम बना रहे और जो बनाना चाहते वो अल्टीमेटली कितना इम्पैक्ट होगा, बिकॉज जो मटेरियल हमें ओटीटी पे टेलीविज़न पे फिल्मों पे इतना बेहतरीन काम हो रहा है, आजकल के एक्टर्स डायरेक्टर्स इतने सॉलिड हो गए क्योंकि ये वक्त उनको मिल गया स्क्रिप्ट में काम करने के लिए। और अल्टीमेटली आप कितना भी कर लो क्या भी कर लो, आप जो भी शॉट टेकिंग कर लो, आपकी जो स्क्रिप्ट है आपको क्या कहना है कैसे कहना है, द एग्जीक्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट, सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एन आइडिया। पहले तो ये सोचना है कि आपको नेक्स्ट एक एक्शन फिल्म बनानी है, एक्शन फिल्म पे आप इंस्पायर हो गए कि आपको किस तरीके की एक्शन फिल्म बनानी है, यू वांट मेक एन इमोशनल फिल्म, यू वांट मेक अ टेक्निकली स्वैप फिल्म, सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सो इवन व्हेन सो आई फील दैट जब ये टीम ने सोचा होगा कि उनको एक ऐसी फिल्म बनानी है जो जिनका business of war where you feel that you're trying to actually convey a message through a certain way, the day you can convey that message I think your battle is won. And jo bhi thoda bahut maine dekha it's extremely impressive. Ultimately it is as I said, it is the sincerity of everyone which comes together and gives it 100%, that what counts the most. Thank you.